सोशल मीडिया के माध्यम से महिला मित्र की आपत्तिजनक अश्लील टिप्पणी व फोटो पोस्ट करने वाले अभियुक्त को साइबर सेल व महिला थाने की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में एसपी क्राइम इंदु प्रभात सिंह ने बताया कि एक महिला द्वारा अपराध शाखा में प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि एक व्यक्ति द्वारा फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर आपत्तिजनक अश्लील टिप्पणी मैसेज कर परेशान किया जा रहा है तथा यह कार्य लगातार 2018 से चल रहा था, जिसको देखते हुए एप्लीकेशन को साइबर सेल में भेजा गया और महिला थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया गया, जिस पर साइबर सेल ने विवेचना प्रारंभ किया तो मामला प्रकाश में आया कि फेसबुक के माध्यम से अभियुक्त आदित्य कुमार सिंह पुत्र राम केर सिंह ने वर्ष 2018 में महिला से दोस्ती किया था और एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज हुआ था, जिस पर लड़के के द्वारा शादी का प्रपोजल देने के बाद लड़की ने शादी से मना कर दिया तो उसके बाद से ही अभियुक्त आदित्य कुमार सिंह पुत्र राम केर सिंह ग्राम बेलवा ढाड़ी पोस्ट गारर थाना गीडा द्वारा फर्जी इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी बनाकर महिला मित्र को बदनाम करने के लिए फोटो के साथ आपत्तिजनक अश्लील टिप्पणी पोस्ट करने लगा, जिसको देखते हुए साइबर सेल के द्वारा अभियुक्त आदित्य कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम इंदु प्रभात सिंह ने कहा, जैसा आपको जानकारी है कि महिला अपराधों की तरफ पुलिस की जो संजीदगी है उसके बारे में बार बार पुलिस को सेंसिटाइज किया जा रहा है, इसी क्रम में आईआरएस के माध्यम से और एसपी क्राइम ऑफिस में एक महिला के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि एक व्यक्ति उसकी नाम से कई फेक आईडीज क्रिएट करके उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और ये प्रक्रिया लगातार 2018 से चल रही है। एप्लीकेशन के क्रम में मेरे द्वारा एप्लीकेशन साइबर सेल को मार्क की गई। साइबर सेल के द्वारा यूआरएल को ट्रेस करते हुए उस अभियुक्त तक पहुंचा गया। जब इसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो गई और क्राइम का भी तस्दीक हो गया तो उस पर संबंध में महिला थाने पे एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया और आज उस अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये अभियुक्त और महिला दोनों फेसबुक पे मिले थे, इनकी आपस में चैटिंग हुई, उसके बाद इनके नंबर एक्सचेंज हुए। ये गोरखपुर के रहने वाले हैं दोनों, गोरखपुर में दोनों की मुलाकात होती है। लड़के ने लड़की को शादी के लिए प्रपोज़ किया, लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया, उसके बाद उसको धमकी दी गई कि मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा और उसी क्रम में फिर इस अभियुक्त के द्वारा विभिन्न फेक आईडीज बना करके लड़की के नाम से उसको बदनाम करने का कुत्सित प्रयास किया गया है। कुपित हैं वो, लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं।